हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक वानखेड़े एंड वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स एट इकोनॉमिक्स क्लासरूम स्टडी। हियर वी आर स्टडिंग डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस एंड देन हाउ टू डिराइव अ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व एंड वाइस वर्सा। सो अभी तक हमने काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, ये हमारी फिफ्थ वीडियो है इस यूनिट की। तो अब हम देखते हैं कि एपीसी और एपीएस जो हमने पढ़ा था उसके बीच में रिलेशन क्या है। एपीसी और एपीएस क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। हमको ये पता है कि जब हम बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की, तो वो होता है या जो सेविंग है, मतलब फॉर एग्जांपल चलो पहले एपीसी की बात करते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो किसी पर्टिकुलर इनकम पे कंजम्पशन कितनी की जा रही है या किसी पर्टिकुलर इनकम पे सेविंग कितनी की जा रही है, तो वो एपीसी और एपीएस में हम देखते हैं। अब देखते हैं इसमें रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी मैंने बोर्ड साफ सुथरा इसलिए रखा है ताकि आपको डेरिवेशन सीखना जो होता है ना कि स्टार्टिंग से कैसे बनाया जाता है वो समझ में। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमको पता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी कि इनकम का या तो कंजम्पशन किया जाता है या तो इनकम की सेविंग की जाती है। सो आइदर आई कंज्यूम और आई सेव, तो ये चीज तो हमको क्लियर है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एंड वी डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय वाई। हमने स्टेप वन में क्या किया, हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया कैपिटल वाई से। अब क्या होगा देखो, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल वाई, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। सो वेरी सिंपल डेरिवेशन, वाई से वाई कट जाएगा और ये कट के यहां पे वन बचेगा। सो वन इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, दैट इज एपीसी। यही होता है ना, कंजम्पशन इनकम प्लस एस अपॉन वाई इज एपीएस। इतना इजी था। एपीसी और एपीएस के बीच में ये रिलेशन है कि इन दोनों का एडिशन वन आता है। इसका मतलब यदि मुझे कभी एपीसी निकालना हो और मुझे एपीएस दिया हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि वन माइनस एपीएस, या फिर मुझे एपीएस निकालना है और मुझे एपीसी दिया है तो मैं वन माइनस एपीसी। मतलब मैं इन फॉर्मूलों का इनका यूज करके एक से दूसरे को निकाल सकता हूं, काउंट कर सकता हूं। बाकी जो कंडीशन एपीसी और एपीएस की है वो तो ऑलरेडी है ही, वो आपको मैंने जो पुराने वीडियोस हैं उसमें बताई भी है, नीचे लिखे भी थे सारे पॉइंट्स, तो वो तो क्लियर। लेकिन इन दोनों को आपस में यदि आपको रिलेट करना है, देखो सही भी है, जितनी भी इनकम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई होगी या तो वो कंज्यूम हुआ होगा या तो वो सेव हुआ होगा, तो उन दोनों को ऐड करके तो पूरी इनकम के बराबर आना चाहिए रेशो। इसीलिए इन दोनों को ऐड करके फाइनली क्या आता है, वन। सो वन इज द कंप्लीट इनकम, क्योंकि हम इनकम के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, वन इज द कंप्लीट इनकम और उसी में डिवाइड हो जाएगी जो भी वैल्यूज आएंगे। क्लियर? ओके। सो यहां पे से आप निकालोगे, अच्छा इससे रिलेटेड वन मार्क के क्वेश्चन भी काफी सारे बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एपीसी वाला जो हमारा वीडियो है वो देख लेना है कंजम्पशन फंक्शन का, एपीएस वाला वीडियो देख लेना है, उसके नीचे के पॉइंट समझ लेने हैं और उनका रिलेशन। तो पहला वाला तो हमको मिल गया कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि यदि इनको आपस में ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू हो जाती है वन, वैल्यू हो जाती है वन। ठीक, ओके, ये क्लियर। अब देखो एक और काम करते हैं, अब हमको देखना है रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस देख लिया, अब हमको देखना है रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या डिफरेंस होता है एमपीसी और एमपीएस में। एमपीसी और चल रहा है वीडियो, एमपीसी और एमपीएस में डिफरेंस होता है, जब हम एमपीसी की बात करते हैं तो इट इज एडिशनल इनकम में से कितना सेव कर रहे हैं और एडिशनल इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हैं। एमपीसी मतलब कितना कंज्यूम कर रहे हैं और
एमपीएस मतलब कितना सेव कर रहे हैं, लेकिन किसमें से? मार्जिनल, यानी कि एडिशनल इनकम में, पूरी इनकम में से नहीं। तो हम जब भी इन फॉर्मूलाज को देखते हैं तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, हम कहते थे चेंज, चेंज की बात करें एमपीसी की जब भी बात करते हैं तो फॉर्मूले में आ जाता है चेंज। तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेंज इन वाई विल बी इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। हाँ, लिख सकता हूं क्या? तो हाँ लिख सकता हूं, शायद इसलिए लिखा है हाँ। और क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि जो भी चेंज इनकम में आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक पेटेंट एग्जाम्पल चल रहा है, 1 लाख की सैलरी है, 1,10,000 हो गई, तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज आए हैं, इस 10,000 रुपीज में से या तो मैं कुछ कंज्यूम करूंगा, तो जो भी मैं इस 10,000 में से कंज्यूम करूंगा वो मेरे कंजम्पशन का चेंज हो जाएगा, और जो भी मैं 10,000 में से सेव करूंगा वो मेरे सेविंग का चेंज हो जाएगा। यदि मैंने 10,000 रुपीज में से सारा पैसा सेव कर लिया तो जितना इनकम का चेंज था सारा सेविंग में दिख जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये फॉर्मूला वैलिड। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हमको तो अब रिलेशन फाइंड करना है एलपीसी और एमपीएस में, तो लाना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे चेंज इन वाई, एपीसी एपीएस के लिए हमने वाई से किया था, यहां पे चेंज है तो चेंज इन वाई से, देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ये दोनों एक दूसरे से कट होके आपको यहां मिल जाएगा 1, और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम दैट इज नथिंग बट एमपीसी, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम दैट इज नथिंग बट एमपी। ये जो एमपीसी और एमपीएस है इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि यदि मैंने चेंज किया है इसमें से किसी की भी वैल्यू में तो उसका रीजन कहीं ना कहीं इनकम है। ये बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, हमको दूसरा रिलेशन भी मिल चुका है, दैट इज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये भी तो ठीक है, ये वाला भी रिलेशन, ये वाला भी रिलेशन क्लियर है। जब भी कभी आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है और आपको एमपीएस दिया हुआ है तो आप एमपीएस को 1 में से माइनस कर लो, आपको एमपीसी मिल जाएगा। यदि आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है और सॉरी एमपीएस कैलकुलेट करना है और एमपीसी दिया है तो आप 1 में से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा, इसी फॉर्मूले को रोटेट करके आप यूज कर सकते। ठीक, सो इक्वेशंस ये वाली याद रखने से फायदा ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेनिफिट होगा, कभी एक चीज दी है कभी एक चीज नहीं दी है तो फिर उसके बेसिस पे आप उसको आगे सॉल्व भी कर सकते। ठीक, तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एमपीएस, सॉरी एपीसी एमपीएस, एपीसी एपीएस एंड एमपीसी एमपीएस, इनके बीच का रिलेशन था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखें यहां पे, अब हमारा अगला टॉपिक है कंजम्पशन कर से सेविंग कर पे कैसे जाया जाता है या सेविंग कर से कंजम्पशन कर पे कैसे आया जाता है। तो एक तो होता है इसका डायग्रामेटिक प्रूफ कि ग्राफिकली आप बताएं कि वो कैसे जाया जाता है, और एक होता है मैथमेटिकली, तो हम दोनों ही देखते हैं। ठीक है, कि एक इक्वेशन जो कंजम्पशन कर की है वो क्या होती है और उससे ही दूसरी इक्वेशन क्या डिराइव हो सकती है, और फिर हम उसका डायग्रामेटिक वर्जन देखेंगे। फाइन, तो देखो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं कि ये ग्राफ कंजम्पशन कर्व का है क्या। देखो ये बताया था सीसी कर्व, और ये जो ओसी वाला ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सी बार, ये तो आपको पता है। ठीक है, इतना हमने देखा था, तो आपने देखा है कि C बार उसको कहा जाता है जब इनकम, यहां पे क्या रहता है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे रहता है इनकम, इस एक्सिस पे क्या रहता है, यहां पे रहता है कंजम्पशन एंड सेविंग, ये हम इस तरफ बनाते हैं। ठीक, अब
जीरो से इतना ऊपर उठा के क्यों कंजम्पशन को बनाया, कंजम्पशन कर्व यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो चीज है कि जो इनकम जीरो भी हो तब भी रहता है, मतलब इनकम से अफेक्ट नहीं होता, चाहे आपका इनकम कितना भी हो, लेकिन जो बेसिक कंजम्पशन है वो आपकी इनकम जीरो भी हुई तो भी आपको करना ही पड़ेगा। सो एज अ नेशन यू कंज्यूम सर्टन अमाउंट, इवन दो इफ नेशन इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, इफ देयर इज नॉट नेशनल इनकम स्टिल देयर, तो सी बार तो एक होता ही। मतलब यदि मुझे कंजम्पशन की इक्वेशन लिखनी पड़े, कि मुझे कंजम्पशन की इक्वेशन लिखनी है, तो उस कंजम्पशन की इक्वेशन में सी बार तो होगा ही, कंजम्पशन की इक्वेशन में सी बार तो होगा ही, क्योंकि देख लो आप यहां पे क्या है कि ये इसको मैं ऐसा ही आपको आइडिया देने के लिए बना रहा कि मुझे किसी भी पॉइंट पे यदि कंजम्पशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां 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 कहीं भी, तो इतना तो उसमें है, इतना तो उसमें है। इसके बाद का सपोज मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे यदि कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, तो इतना तो है फिक्स, मतलब सी बार तो मैंने फिक्स कर दिया, प्लस समथिंग, प्लस समथिंग, प्लस समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग, दिस समथिंग विल बी हियर और वेयर समवेयर, समथिंग किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम। जब आपकी इनकम जीरो है तब इनकम तो जीरो है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा साथ, कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन किसके रेफरेंस में बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है इनकम के रेफरेंस में, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इनकम जो बढ़ने वाली है उस बढ़ने वाली इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चेंज इन कंजम्पशन, जब हम बात करते हैं चेंज इन कंजम्पशन की, तो ये देखो ये कैसे पता चलेगा, इसका जितना भी स्लोप होगा वो स्लोप के कंपैरिजन में ऊपर जाएगा, स्लोप किस पे डिपेंड करता है, क्या है यहां इस पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद स्लोप ही तो है ना, वो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, तो स्लोप कैसा होगा किस पे डिपेंड करता है, याद करो मैंने पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया था कि एमपीसी इज द स्लोप, एमपीसी इज द स्लोप, बिकॉज एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और यही एक स्लोप का फॉर्मूला होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, एक्स एक्सिस पे इनकम है, तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई स्लोप है, तो वो जो स्लोप है ना उसको यहां पे दिखा ऐसे, तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये कंजम्पशन का स्ट्रेट लाइन है जिसमें जो B है दैट इज स्लोप एंड दैट इज नथिंग बट एमपीसी, B स्लोप है जो कि एमपीसी है, हम B को परमानेंटली एमपीसी का नाम दे देंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्मूले में कंजम्पशन के या सेविंग के किसी में, तो ये इक्वेशन हमको एक स्ट्रेट लाइन की मिल गई कि जब भी हम बात करेंगे कंजम्पशन कर्व का तो कंजम्पशन कर्व में सी बार तो होगा ही प्लस उसके स्लोप के अकॉर्डिंग जितना भी वेरिएशन है। अब डिपेंडिंग ऑन द इनकम लेवल स्लोप तो डिसाइड हो गया, एमपीसी ने डिसाइड कर लिया स्लोप, लेकिन इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मान लो ये सी बार 10 है और फिर इनकम है 1000, तो 10 प्लस बी इंटू 1000, 10 प्लस बी इंटू 2000, 10 प्लस बी इंटू 3000, ऐसे वो अलग अलग कंजम्पशन की वैल्यू आती रहेगी। तो ये कंजम्पशन की इक्वेशन, ठीक, ये हमको समझ आ गया। चलो भाई ये कंजम्पशन इक्वेशन, कंजम्पशन की इक्वेशन से सेविंग की इक्वेशन कैसे बनाएं, अब क्वेश्चन आता है कंजम्पशन की इक्वेशन से सेविंग की इक्वेशन कैसे बनाएं, तो भैया हमको सेविंग का फॉर्मूला कुछ पता है क्या। नाउ इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट सेविंग की इक्वेशन, देन डू आई नो एनी फॉर्मूला ऑफ सेविंग, yes I do know one formula of saving and that is s is equal to y minus c, is this the formula which I know, yes this is the formula which I know, that is s is equal to y minus c, because my universal formula jo main hamesha se yahan pe ek bar likh deta tha that is c plus s, isse mujhe ye milta hai, mila theek, value dalo C की वैल्यू है ना आपके पास, तो C की वैल्यू यहां पे डालो, y माइनस c बार, देखो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पूरी y की वैल्यू, b y,
ये आपने कर ली एस। अभी आपको एस की फंक्शन निकालनी है तो एस को तो इधर ही रहने दो, इनको जरा आपस में देखो क्या हो पाता है। वाई माइनस सी बार, अब ये माइनस का साइन अंदर जा रहा है तो इसकी साइन भी माइनस हो गई, माइनस डी वाई, ये भी हो गया। अब एक काम करो, माइनस सी बार को पहले लिख लो, माइनस सी बार माइनस डी वाई प्लस वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। ये सी बार को इधर किया तो वाई को इधर कर, इस वाई के साथ तो प्लस साइन है तो इसको इधर प्लस वाई माइनस बी वाई, ऐसा लिखो, इधर इधर लिखना, इधर इधर लिखो। देन माइनस सी बार, अब मैंने क्या किया, वाई कॉमन ले लिया वहां, तो ये वाई इसमें से बाहर ले लिया तो क्या बचा यहां पे, वाई में से वाई चला गया तो वन बचा, बी वाई में से वाई चला गया तो बी बचा और वाई मेरा बाहर आ गया। ये सेविंग की फंक्शन है, ये सिर्फ ये सेविंग की इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन ऑफ, ये सेविंग की इक्वेशन है, इसको आपने सीधा कंजम्पशन की इक्वेशन से डिराइव किया है और उसी टर्म्स में आ गई है। माइनस सी बार यहां होता है, यहां माइनस सी बार होता है। अब जरा देखो सेविंग का ग्राफ कैसे स्टार्ट होता है, सेविंग का ग्राफ माइनस सी बार से स्टार्ट होता है, मतलब जितना ये सी ऊपर रहता है उतना ही सी बार नीचे रहता है तो वो उससे स्टार्ट होता है, मतलब इसका पहला पॉइंट कहीं यहां पे, ये सेविंग का पहला पॉइंट, और ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट सी बार ओनली, लेकिन माइनस सी बार क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव, तो ये वाला डिस्टेंस भी इतना है, जितना ये है उतना ही ये, तो सेविंग का कर्व पहले माइनस सी बार से स्टार्ट होता है, बराबर माइनस सी बार आ गया। उसके बाद इनकम के बेसिस पे सेविंग चेंज होती है क्या, करेक्ट, इनकम के बेसिस पे ही सेविंग चेंज होती है, एपीसी एपीएस एमपीएस में मैंने पढ़ाया है आपको, इनकम के बेसिस पे ही सेविंग चेंज होती है, वो नेचुरल है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगी, तो ये इनकम के बेसिस पे कितनी बढ़ेगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि जितनी भी सेव करने की कैपेसिटी होगी उससे ये डिसाइड होगा। तो ये जो इनकम है वो एमपीएस डिसाइड करेगा, वन माइनस बी क्या है, मैंने कहा था चाहे कोई भी फॉर्मूला हो बी की वैल्यू है एमपीसी, तो वन माइनस एमपीसी क्या है एमपीएस, तो वन माइनस एमपीसी इज एमपीएस एंड वन माइनस बी, तो बी इज इक्वल टू वन माइनस बी, बी इज इक्वल टू एमपीसी, ये हमको पता है। तो जब बी एमपीसी है और वन माइनस एमपीसी करेंगे तो ये हमने अभी डिराइव किया थोड़ी देर पहले कि एमपीसी वन माइनस एमपीसी इज एमपीएस, ठीक है। ये इक्वेशन से सेविंग के कर्व का मतलब जो सेविंग का स्लोप है वो एमपीएस पे डिपेंड है, यदि आपके पास एमपीएस नहीं है तो आप एमपीसी से निकाल लेना, ठीक। ये इक्वेशन है, दो बार शांति से, सेविंग का क्या है कंजम्पशन कुछ भी नहीं, सी बार जो कि फिक्स वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू सी बार की हमेशा रहेगी, प्लस स्लोप के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपका कंजम्पशन का कर्व कितना ऊपर जाए। इसी फॉर्मूले को उठा के आपने अपने पेटेंट वाले यूनिवर्सल फॉर्मूले में लगा दिया, यही फॉर्मूला आपने एपीसी और एपीएस के रिलेशन को डिराइव करने के लिए यूज किया था, यही फॉर्मूला आपने एमपीसी और एमपीएस के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए भी यूज किया था, और इसी को आप यूज कर रहे हैं अभी इसको डिराइव करने के लिए। फिर आपने एस की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू आपने उठा के रख दी और वहां से आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब आपको ये वाली एक इक्वेशन है जो कि कंजम्पशन की है और ये वाली एक इक्वेशन है जो कि सेविंग, तो वो दोनों ही आपको मिल चुके, क्लियर है क्या, देख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में दिख रहा है और वीडियो भी चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन की बात नहीं, तो ये चलो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये कि क्या रिलेशन। अब जरा देखें कि भाई सेविंग कर्व को डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व से तो क्या करेंगे, सेविंग कर्व को डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व से, आपको दिया है कंजम्पशन कर्व और आपको डिराइव करना है सेविंग का कर्व,
तो जहां से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो रहा है ना, उतना ही एरिया नीचे मार्क कर दो, उतनी ही लेंथ पे सी बार का एग्जैक्टली नीचे आप मार्क कर दो। तो क्या होगा नीचे, यहां पे हो जाएगा माइनस सी बार, ये सी बार था, ये माइनस सी बार हो जाएगा, वैल्यू तो सेम। तो आपको सेविंग का पहला पॉइंट है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते, कौन से दो? पहला पॉइंट तो ये कि भाई जहां पे कंजम्पशन जितना ऊपर है उतना ही सेविंग नीचे होगा। अब आपको दूसरा पॉइंट चाहिए होगा। दूसरा पॉइंट आपको कहां से मिलेगा? दूसरा पॉइंट आपको देखो, या तो स्लोप के बेसिस पे निकालो, एक तो वो तरीका होता है कि भाई कहीं ना कहीं स्लोप निकालो और पता करो, और या तो फिर एक बढ़िया सिंपल सा तरीका है, और उस सिंपल से तरीके में आपको क्या करना है कि आपको इनकम लाइन बना लेनी। एक मिनट, मैं स्केल लेके आया। ओके, स्केल तो नहीं मिली, पर जो मिला उसी से काम चला लेंगे। ओके फाइन। सो हमको क्या करना है, यहाँ पे इनकम लाइन बनानी। इनकम लाइन की हेल्प से हमको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, कैसे वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले इनकम लाइन बना। इनकम लाइन कैसे बन गई वो पता है? इनकम की लाइन 45 डिग्री पे ओरिजिन से स्टार्ट होती है और 45 डिग्री पे बन जाती है। मुझे स्केल की मिली, हाइट मिल जाए, सी बना। इनकम की लाइन जो है दैट इज 45 डिग्री की वो लाइन है, और 45 डिग्री पे हमने ऊपर बनाया। इस इनकम की लाइन पे जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो आपको याद होगा, वो ये था जहां पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट की स्पेशलिटी फिर से देख लो। ब्रेक इवन पॉइंट की स्पेशलिटी है कि यहां पे y इज इक्वल टू c, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, एंड बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन सेविंग इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो जब इधर आएगा वाई माइनस सी को सेविंग जीरो हो जाएगा। मतलब सेविंग का जो अगला पॉइंट है वो मुझे इसको वर्टिकली एक्सटेंड करके मिल जाएगा। तो इससे वी आर गोइंग टू यूज दिस, जरूरत पड़ने पर कुछ भी काम आता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द, हमने इस पॉइंट को एक्सटेंड किया, और यहां पे एक्सटेंड करके ये हमको वो पॉइंट मिल गया जहां पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे सेविंग जीरो है, और यहां पे ही वो ब्रेक इवन पॉइंट है जो ऊपर था। तो ये सेविंग का पहला पॉइंट, ये सेविंग का दूसरा पॉइंट। क्या इसकी हेल्प से हमको ग्राफ मिल जाएगा हमारा? बिल्कुल मिल जाएगा इसकी हेल्प से। ये सेविंग है। अब देखो हमने क्या किया, हमारे पास पहले सेविंग का कर्व था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ कंजम्पशन का कर्व, और हमको ये पता था कि इनकम की लाइन 45 डिग्री पे होती है। तो हमने कंजम्पशन के ग्राफ का जो पहला पॉइंट था, तो लिखते वक्त कैसा लिखेंगे पता है? बड़ा सिंपल, एज वी नो दैट सी बार, एज वी नो दैट कंजम्पशन कर्व डज नॉट बिगिन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट बिगिन्स अबव दैट बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो इट विल स्टार्ट विद द पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस। एग्जैक्टली दिस मच अमाउंट ऑफ सी बार विल बी पॉइंटेड बिलो द लाइन, बिकॉज सी बार वॉट एवर वी आर टेकिंग हियर, जो भी कंजम्पशन हमने किया है, दैट सी बार इज टेकन फ्रॉम दिस सेविंग, उस सेविंग में से निकाला गया है। So this saving से लिया, तो we will plot first point. This is the way we get the first point S on the y-axis. ये हमने पहला point लिख दिया। Another point, we know that income line is 45 degree starting from the origin. So we will draw that line. We will get another point E, which is called a break-even point. तो अब हमारा second point क्या लिखेंगे? We get a break-even point where income will be equal to consumption. This break-even point, by using this formula, we can write by using this formula, will give us a hint that saving is equal to zero. So that will give us another point where saving will be equal to zero. You can name this point as even. आप इसको नाम भी दे सकते हैं, even या e dash, कुछ भी है, कुछ भी है, e dash या s dash, whatever. Okay? So this e dash
which is a point on x-axis will be the second reference point for the saving curve. तीसरा पॉइंट पे आंसर खत्म. Joining the two points S and E dash and extending the line, we will get the saving curve. मतलब starting with the consumption curve, हमको saving curve मिली. Vice versa, उल्टा देखें. Saving curve से consumption curve बनाना तो क्या करेंगे? मतलब आप ये मान लो हमारे पास कंजम्पशन कर्व नहीं, कंजम्पशन कर्व नहीं है तो फिर क्या करेंगे? व्हाट विल यू, चलो इसको भी देख ही लेते, नीचे भी बना दो यहाँ पे. फॉर एग्जांपल सेविंग का कर्व आपको दिया है, सारी कंडीशन सही है, बस सेविंग का कर्व. तो ये एक दूसरा ग्राफ है, उसके साथ रिलेट अभी मत कर. समझाने के लिए बना रहा हूं, पूरा लेबलिंग मैंने नहीं किया, ठीक है? ओके, ये सेविंग का कर्व है, ये यहां से पहला पॉइंट एस स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, सब कुछ ठीक है. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव द सेविंग कर्व, वी हैव ऑन वाई एक्सिस द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कॉल्ड ओ एस, दिस इज नथिंग बट माइनस सी बार. सो वी विल विल मार्क अ पॉइंट, अब ये हमारा पहला पॉइंट, विल मार्क अ पॉइंट अबू द एक्स एक्सिस, विल मार्क अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस अबू द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली विद मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. तो ये वाला जो पॉइंट है ये उठा के यहां, ये उठा के यहां, सो वी गेट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज सी. देन अब हमको सेकेंड पॉइंट कैसे मिलेगा? सेकेंड पॉइंट यहां आपको फिर से इनकम की लाइन बनानी है. क्या करना पड़ेगा? इनकम की लाइन. इनकम की लाइन हमको पता है 45 डिग्री की, इनकम की लाइन हमको पता है कि 45 डिग्री तो होती है, हमने बना दी, ठीक. नाउ वी से वी विल गेट द सेकेंड पॉइंट वेयर दिस सेविंग इज इक्वल टू जीरो. तो अब पहले हमने क्या किया था, ये पॉइंट लेने के लिए उसको नीचे लाया था, अब इसको ऊपर लेके जाना, तो ये अपन ने डॉटेड लाइन से ऊपर लेके गया, ये सीधा एक्सटेंड कर दिया, हम इसको ऊपर लेके ऊपर लेके गए. जिस जगह पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो, देयर कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम. ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा. वेयर विल यू गेट द सेकंड पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन कर्व? इट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर सेविंग इज इक्वल टू जीरो. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज जॉइनिंग बोथ द पॉइंट्स एंड एक्सटेंडिंग द लाइन. Joining both the lines and extending the line, joining both the points and extending the line, we are going to get the consumption. मतलब saving था तो उससे consumption बना दिया, consumption था तो उससे saving बना दिया. ये जो तरीका है diagram को use करने का, ये वाला तरीका है, आपको points के respect में लिखना है, एक अगर आप book से पढ़ लेना तो उससे आपको point में कैसे उसको लिखना है clear हो जाएगा. book में जितने points दिए उतना सब वहां पर लिखना नहीं, वहां पे वर्ड लिमिट होती है, तो वर्ड लिमिट के अंदर आपको लिखना है, तो शॉर्ट में ही आपको लिखना है, जैसे मैंने पॉइंट्स बताया वैसे ही लिख दे, कोई नंबर नहीं कटेंगे पूरे मार्क्स में. डायग्राम को ठीक से लेबल करना. अब देखो यहाँ कंजम्पशन सेविंग लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ इनकम नहीं लिखा है, तो ये ऐसा ग्राफ अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आता, तो पूरा आपको लिखना है. बाकी अगर सी बार मार्क करना है, माइनस सी बार मार्क करना है, पॉइंट्स के नाम देने हैं, या देखो यहाँ पे ई नहीं लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को कोई नाम नहीं दिया है, ये सब करना है, तो इससे वो ग्राफ अच्छा दिखता है और कंप्लीट दिखता है. और एक और चीज जो हमारे टीचर हमको स्कूल में सिखाते थे, तो मुझे कहते थे कि ग्राफ वगैरह डायग्राम कोई भी बनाओ ना तो उसको बॉक्स बना दो. तो यदि आप ऐसे आंसर कॉपी में बना के इसको बॉक्स बना देते हैं तो उससे देखने में वो अच्छा दिखता है. यदि टाइम है तो इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत टाइम रहता है, यदि आप ठीक से पढ़ के गए हो तो आपके पास कम से कम नहीं तो फिर भी 15-20 मिनट फ्री बच जाते हैं लास्ट, आराम से, ठीक है. मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्टूडेंट है, मैं वन ऑफ माय स्टूडेंट शी स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो उसके जो ना उसका पेपर आधा घंटा पहले ही खत्म हो गया. तो यस, पलक शर्मा इज द नेम, तो उसने जब मैंने देखा कि उससे पूछा कितना टाइम बचा, तो शी वाज लाइक हां हो गया था, आधा घंटा बचा, एंड व्हेन द रिजल्ट केम शी स्कोर्ड आउट ऑफ मार्क्स. सो टाइम रहता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं रहता है, सो दैट इज ओके. सो
क्लियर हुआ रिलेशन इन दोनों का, क्लियर हो गया आपको डेरिवेशन, क्लियर हो गया ये वाली इक्वेशन, क्लियर हो गई ये कंजम्पशन की इक्वेशन है, ये सेविंग की इक्वेशन है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में इन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना है इन इक्वेशन को, एक जो मेन बात याद रखनी है ये तो याद ही रहेगा सी बार प्लस बी वाई, इसमें सी बार माइनस हो जाता है माइनस सी बार और यहाँ पे बी रहता है तो वन माइनस बी बस ठीक है, ये सेविंग का एक अंदर और ये ग्राफ तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दोनों ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे आगे वीडियोस एक बार कॉन्सेप्ट के खत्म हो जाए तब, और मीनवाइल यदि आपको कोई क्वेश्चन में या कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके थैंक यू।